हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। स्टॉक्स दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा इस शो में हम लोगों ने क्या क्या प्लान कर रखा है आपके लिए। डायरेक्टर साहब, जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स का स्टिंग दिखाइएगा। ये हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एशियन पेंट्स। याद सुबह का बिग स्टॉक्स की कड़ी में शुमार स्टॉक था, 2.5% के अपमूव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। और एशियन पेंट्स वैसे चर्चा करेंगे, 2700 और लेवल से अब धीरे धीरे करके आप देखिए 3200 प्लस पे वापस आके खड़ा हो गया है। वही कंपटीशन है, सब कुछ वही है, लेकिन 400-500 रुपए लो से रिकवरी दिखा रहा है। ग्रासिम पेंट स्टॉक है वैसे, ये भी 2.25% का उछाल। HUL जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, 1.5% का अपमूव इसमें। और अपोलो हॉस्पिटल, FMCG, फार्मा अच्छे मूव दिखाते हुए, क्रूड के डेरिवेटिव्स अच्छा मूव दिखाते हुए इस समय। और लीजिए बर्जर पेंट्स अच्छा मूव दिखा रहा है, HPCL अच्छा मूव दिखा रहा है, OMC सुबह इन ग्रीन मेंशन हुई थी सारी की सारी। कमजोर बाजार में 3.5% HPCL मजबूत। फार्मा में बायोकॉन, कोई ग्रैन्यूल्स इंडिया अच्छा कर रहे हैं, 2.5 से 3, 3.5% इन दोनों में मजबूती। पर क्या दबाव में है, क्योंकि क्रूड आज सबसे बड़ा क्यू था और $3 करेक्ट हो गया था। तो ONGC देखिए 3% के करेक्शन के साथ इस समय दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। कमोडिटीज लग भी रहा था जिस तरह के संकेत थे। संकेत क्या थे, चाइना में स्लोडाउन की कंसर्न्स तो चली रही थी, एड ऑन US में स्लोडाउन का डर। बहुत ज्यादा मैं उस पर आऊंगा क्यों डर लग गया था, बिना बात का बहाना बन गया था खैर एक प्रॉफिट टेकिंग का। कोल इंडिया, हिंडालको सब दबाव में, और विप्रो IT के लिए आज दिक्कत वाला सेशन हो सकता था। ये सुबह चर्चा में हुआ था, सुबह मतलब मुनाफे की तैयारी में बात हुई थी। और विप्रो देखिए निफ्टी का वन ऑफ द टॉप लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। RBL बैंक पे मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली ने अपनी टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करें, उसका भी खामियाजा ये झेलता हुआ 3.5% दबाव। मॉर्गन स्टैनली की उस बैंकिंग रिपोर्ट पे आएंगे अपन आगे। BHEL 3%, टाटा पावर 3%, कैनरा बैंक 3.25% के दबाव के साथ ट्रेड कर।